हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम, मुंह खोल के सांस लेना या खर्राटे लेना। नॉर्मली पेरेंट्स सोचते हैं कि खर्राटे लेना बीमारी बड़े लोगों में होती है, बट लॉट ऑफ चिल्ड्रन जब वो सोते हैं तो या तो वो मुंह खोल के रखते हैं और या खर्राटे लेते हैं। इसका प्राइमरी रीज़न एडेनॉइड्स होता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि एडेनॉइड्स क्या चीज़ है। हमारे दो टाइप के टॉन्सल्स होते हैं, एक गले में जो कि हम मुंह खोल के डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, और दूसरा हमारी नाक के बिल्कुल पीछे। जो नाक के पीछे टॉन्सल्स हैं इनको हम एडेनॉइड्स कहते हैं, और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो बच्चे को नाक बंद होने की सेंसेशन होती है, नाक से अच्छे से सांस नहीं आता, और इस वजह से वो मुंह खोल के रखते हैं और इस वजह से वो खर्राटे भी लेते हैं जब वो सो रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे इसका नुकसान क्या है। इसके कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर वन, अगर हमारे को एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम है तो हमें अच्छे से स्मेल नहीं आती है। इसकी वजह से या तो हमें भूख कम लगती है और या हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं और ओवरवेट हो सकते हैं। नंबर टू, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि हमारे बच्चे के जो दांत हैं वो ज़्यादा बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उसके ऊपर के दांत देखेंगे वो ज़्यादा बाहर आएंगे, नीचे के दांत अंदर चले जाएंगे, और आगे चल के इसका इलाज बहुत महंगा पड़ता है और काफ़ी टाइम लगता है, तारे वगैरह लगानी पड़ती हैं, काफ़ी खर्चा भी होता है और कई साल लग जाते हैं, कई बार तो दांत निकालने भी पड़ते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी वजह से बच्चे को रात में सोने में तकलीफ़ हो सकती है, जिसकी वजह से वो दिन में नींद में रह सकता है और उसके स्कूल की परफॉर्मेंस भी सफ़र कर सकती है। चौथी एंड प्रॉबेबली द मोस्ट सीरियस बट रेयर कॉम्प्लिकेशन इज कि बच्चे की लंग्स का ब्लड प्रेशर, जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, अगर एडेनॉइड्स बहुत सिवियरली बढ़े हुए हों तो ये भी हो सकता है। इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा खर्राटे लेता है रेगुलरली या मुंह खोल के सोता है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें, और अगर आप ट्राई सिटी में हैं, चंडीगढ़, पंचकुला या मोहाली में हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप चरक क्लिनिक्स में, हमारे क्लिनिक में फ़ोन करके हमारे से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और बच्चों की हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।